बेबी। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और यहाँ से शुरू हो रही है हमारी जर्नी। हम निकल चुके हैं महोबा से और स्टेशन पहुँच रहे हैं। यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं, अभी भीड़ भाड़ नहीं है। और ये आ गई महोबा की सब्जी मंडी। यहाँ पर सब्जी लगी है पूरे रोड में, मतलब कि बीच रोड से है सब्जी मंडी। और हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं। मैं जा रही हूँ टिकट लेने, क्योंकि जो जेंट्स लाइन थी वहाँ पर भीड़ काफ़ी थी, इसमें ना कम भीड़ थी तो मैंने ही ले लिया। मामा जी बोल रहे थे तुम ले लो। और हम लोग आ गए हैं, ट्रेन में बैठ भी चुके हैं और झांसी भी पहुंच गए हैं। मैंने वीडियो नहीं बनाया था बीच में। ये देखिए, ये ट्रेन ना जब हम लोग महोबा से बैठे थे तो एकदम फुल थी और झांसी में एकदम खाली। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं झांसी स्टेशन और अपने प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं। 6 पे है, हमें जाना है 2 पे, तो वहाँ के लिए निकल रहे हैं। पहले वहाँ पहुँच जाए। मामा जी बहुत आगे निकल गए, हम और नानी पीछे, क्योंकि नानी धीरे धीरे चलती है। और अभी हमारी गाड़ी आने में टाइम है, तो हम आ चुके हैं वेटिंग रूम में। और ये रहा एसी वाला वेटिंग रूम, तो हम लोग यहाँ पर कम से कम 2 घंटे वेट करेंगे, तो खाना भी खा लेंगे। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया है खाना, तो सब लोग खाना खा लेंगे। कल के वीडियो मैंने कमेंट पढ़े थे कि तुम तो सिर्फ 2 ही लोग हो, 3 लोग कौन हो? तो मामा जी हमें झांसी तक छोड़ने आए थे, तो मैंने 3 लोग बोला था। घर से हम 3 ही लोग निकले थे, लेकिन वो झांसी से वापस हो गए थे, हम लोग यहाँ आ गए थे। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ खाना। पहले हम लोग खाना खाएंगे, टाइम है ही है, तो खाना खा लेंगे बैठ के आराम से। ऐसे खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने। खाना हो चुका है, यहाँ मैं वॉशरूम में आई हूँ हमारी फेवरेट हरकत मिरर के सामने। तो बस आज अब तक हमारी गाड़ी का भी टाइम हो रहा है, तो बस हम लोग निकल रहे हैं। और इस साइड से उस साइड जाना है हम लोगों को क्रॉस करके, क्योंकि गाड़ी आनी है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भी वेट करना पड़ा, तब तक हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। ये आ गई ट्रेन में बैठ चुके हैं मामा जी, हमको छोड़ के निकल चुके हैं। बस मैं नानी को बोल रही हूँ कि अंदर एसी है तो ठंडा ना लगे, पहले से ही अपना शॉल ओढ़ लो। और बस हम लोग झांसी स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। अभी हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में। सैड हो रही हो नानी? सैड हो रही हो? मामी को छोड़ के आई है, सैड हो रही है, थोड़ा सा तो होंगी। मासी के पास जा रही हो? हाँ, और यहाँ पर मैंने अपनी सीट भी गिरा ली है, चादर वगैरह भी बिछा ले रही हूँ, क्योंकि ये एसी की वजह से ना सीट नीचे से ठंडी हो जाती है, तो इसलिए इसे बिछा लिया। अब हम बैठेंगे लेटेंगे, ऐसे ही पूरा रास्ता निकलेगा हमारा। तो ट्रेन का सफ़र बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कई लोगों को पसंद नहीं होता है, लेकिन मुझे ट्रेन का सफ़र पसंद है। ये देखिए, क्योंकि ट्रेन में व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलता है, इतना अच्छा बस वगैरह में नहीं, पर ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। जिन लोगों को ट्रेन का सफ़र पसंद है, वो लोग मुझे भी बताइए किन किन लोगों को पसंद है ट्रेन का सफ़र। मुझे तो बहुत पसंद है। ये जो स्टेशन आ रहा है, मैंने देखा तो नहीं है, मैं लेटी थी, मैंने लेटी लेटी वीडियो शूट कर लिया था, लेकिन शायद भोपाल है, क्योंकि इतने टाइम भोपाल पहुंचने का ही टाइम होता है।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं भोपाल और निकल भी चुके हैं भोपाल से, अब निकल भी रहे हैं। और यहाँ पर मेरा काम शुरू हो गया है, मैं यहाँ पर लेटी हूँ, मतलब कि सो तो नहीं रही हूँ, नींद तो ऐसे नहीं आती है ट्रेन में कि आप बिल्कुल से सो जाओ, लेकिन लेटे लेटे आलस भरी नींद आती रहती है। तो अभी बज रहा है 7 बजे का टाइम हो रहा है, हम लोग पहुँच चुके हैं रायपुर और अभी मैं सो के उठी हूँ, मतलब कि रात में बार बार सब लोग आते जाते हैं तो नींद नहीं आती, अभी 2 घंटे पहले सोई थी, अभी सो के उठी हूँ। नानी हमारी रात भर सोई थी ही नहीं है ना नानी, नींद नहीं आती नानी को, नींद ही नहीं आती है, वो घर में भी हल्की सी आहट सी तो जग जाती हैं, फिर यहाँ तो बार बार शोर होता है तो इस वजह से वो सोई नहीं पाती। चलो अब जा रहे हैं ब्रश रेस्ट करके आए, अब चाय ले लेंगे, नानी चाय वाला आएगा तो। और यहाँ पर मेरा ब्रश हो चुका है और ब्रश और मुंह वगैरह मैंने ना बॉटल के पानी से ही धुला है, क्योंकि ट्रेन का पानी नहीं मैं यूज करती। और यहाँ पर नानी के लिए नाश्ता भी ले लिया, मैं तो ब्रेड वगैरह ले लूँगी लेकिन नानी ब्रेड और सॉस वगैरह ज़्यादा खाती नहीं है, तो उनके लिए पोहा ले लिया है। तो ये हो रहा है हमारा नाश्ता, आप लोग भी आ जाइए। अभी अभी हम पहुंचते जा रहे हैं वाईजैक, यानी कि विशाखापट्टनम पहुंच चुके हैं, स्टेशन में भी आ गए हैं, ये देखिए आप लोग देख लीजिए। और बस मैं आगे का वीडियो तो शूट नहीं करूंगी क्योंकि उतारने उतारने में नानी को दिक्कत होती है, तो मैं अपना वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बाय, गुड इवनिंग।